देखिए दोस्तों, पहली खेल तो पहली आपके सामने बहुत ही मजेदार पहली है, तो जिसका अर्थ आपको बताना है। देखिए, तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, एक पहली बहुत ही सरल पहली है जिसका आप नाम बता सकते हैं। तो बताओ, तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान कौन सा नाम होगा? नयन। नयन शब्द है नयन और नयन, ये एक ऐसा शब्द है जो उल्टा और सीधा एक समान है। तो तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। अगली पहेली, इसका अर्थ बताइए आप। पांच अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, अब ये थोड़ा कठिन है, इससे कठिन है। पांच अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताइए। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, देख कोशिश करते हैं। देख, मलयालम, मलयालम, मलयालम। देखो, सीधा और उल्टा, उल्टा सीधा एक समान। देखो, मलयालम, मलयालम ये केरल की एक भाषा है, केरल की भाषा है। मलयालम क्या है दोस्तों? केरल की एक भाषा है। पांच अक्षर, इसमें पांच अक्षर भी है, एक दो तीन चार पांच अक्षर भी है, और कौन सी भाषा है? केरल की भाषा है। और पहले भी अपनी पूरी होती है, पांच अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। नेक्स्ट देखेंगे, अंत कटे तो जल बन जाऊं और मध्य कटे तो जज बन जाऊं, बताओ मैं कौन? ये थोड़ा डिफिकल्ट मामला है। अंत कटे तो जज बन जाऊं, जल बन जाऊं, और मध्य कटे तो जज बन जाऊं। देखिए, इसको भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जलज, जलज एक ऐसा शब्द है, ये कह रहा है कि अंत कटे, ये वाला ज अगर ये काटते तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है, ये जल बन गया। फिर कह रहा है मध्य कटे, अगर बीच का कट जाता है तो बीच के अगर अक्षर को काट देते अपन तो जज, क्या बन जाता है वो? जज। तो जज बन जाओ, मध्य कटे तो जज बन जाओ, अंत कटे तो जल बन जाओ, मध्य कटे तो जज बन जाओ, तो उसका नाम है जलज। नेक्स्ट है, एक कौन सा शब्द है जिसमें एक फल, फूल और मिठाई का नाम है, बताओ। इस पहली कार्ड बताओ, कौन सा शब्द है जिसमें एक फल, फूल और मिठाई का नाम शामिल है? फल का भी आना चाहिए, फूल का भी आना चाहिए और एक मिठाई का भी आना चाहिए, तीन नाम आने चाहिए। तो दोस्तों, सही ऑप्शन होगा गुलाब जामुन। देखते हैं, गुलाब जामुन, तो गुलाब एक फूल का नाम आ गया और जामुन, जामुन एक फल का नाम आ गया और गुलाब जामुन पूरा मिलके एक मिठाई का नाम आ गया, तो हुई ना एक मजेदार बात। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।